सूरत है जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, क्योंकि यहां से सीधे हम आप तक उसके दृश्य पहुंचा रहे हैं। बीकानेर हाउस में जो ये दीपोत्सव का आयोजन हुआ है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, इसमें जो एक खूबसूरत मंजर रोशनियों की जगमगाती टिमटिमाती ये जो दृश्य है वो आपको नजर आ रहा है। और जब एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने नई दिल्ली में लुटियन जोन की एक परिकल्पना की, उसको डिजाइन किया, तो तभी बीकानेर हाउस भी अस्तित्व में आया था। ये बीकानेर हाउस और इसके पीछे एक खूबसूरत प्रांगण है जिसमें रंग बिरंगी रोशनियां आपने देखी, और ये एक हेरिटेज को लेकर एक खूबसूरत आर्ट का एक नमूना है, उदाहरण है, जिसको हम बड़े गर्व के साथ आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हमारी और आपकी जो विरासत है वो तो साझी है। हम शेयर करते हैं एक दूसरे की विरासत को, क्योंकि हम राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हैं, वो मिट्टी जिसमें शौर्य है, जिसमें गरिमा है, गौरव का भाव है, प्रेम है, आराधना भी है, भक्ति भी है। तो ऐसी खूबसूरत बीकानेर हाउस में राजस्थान की संस्कृति को समेट कर हम आपके साथ दीपोत्सव के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और यहाँ टिमटिमाती रोशनियाँ हैं, आसमान में टिमटिमाते तारे हैं और साथ में है चाँद। आसमान धरती को निहार रहा है, क्योंकि ये पूरी धरती और इस धरती पर यानी बीकानेर हाउस के चांदनी बाग में जिस हिस्से में हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं देवियों सज्जनों, ये उसी तरह से शायद आसमान से दिखता होगा जैसे हमें आसमान दिखता है टिमटिमाते तारों के साथ और साथ में चाँद की खूबसूरत एक आकृति जो आसमान में नजर आती है। तो आप सबका एक बार फिर से हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं इस यूनिक प्लेटफॉर्म वर्चुअल जो ग्लोबल प्रवासी दीपोत्सव है, उसमें प्रेम और भाईचारे, स्नेह और अपनी मिट्टी के साथ जुड़ने के एहसास के साथ। और आप सबको सबसे पहले हम जिनसे रूबरू करवाना चाहते हैं, दरअसल उन्हीं की परिकल्पना का साकार रूप जो है वो राजस्थान फाउंडेशन है। आप जानते हैं कि राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना सन 2000 में हुई थी, और इसकी स्थापना का श्रेय और इसकी प्रेरणा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से हम सबको मिली थी, प्रदेश को मिली थी। और उन्हीं की अध्यक्षता में राजस्थान फाउंडेशन पिछले 20 वर्षों से लगातार आपके और आपके प्रदेश के यानी राजस्थान के बीच एक सेतु के रूप में काम कर रहा है। तो आइए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी, जो कि अध्यक्ष भी हैं राजस्थान फाउंडेशन के, उनकी तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, दुआएं, उनका शुभ संदेश सबसे पहले हम वही आप तक पहुंचाते हैं, आइए सुनते हैं। राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि अंतर्राष्ट्रीय दीपावली समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनाया जाएगा। दीपावली के शुभ अवसर पर मेरी तमाम उन लोगों को जो इस वेबिनार से जुड़ रहे हैं उनको मेरी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। ये दीपावली पूरे आपके आपके परिवार वालों के लिए शुभ हो, ये मेरी कामना रहेगी। राजस्थान फाउंडेशन का इतिहास बहुत लंबा हुआ है। जब सन 2000 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव के माध्यम से यहाँ पर आयोजन हमने किया। देश विदेश से हमारे प्रवासी साथी आए थे। तब से राजस्थान फाउंडेशन का गठन होने के बाद में ये कार्य कर रहा है। पर मैं कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी में सरकारें बदलती रहती है, तो जिस रूप में इसकी कल्पना की गई थी उस रूप में काम हो नहीं पाया। अब मुझे पूरा यकीन है कि इस फाउंडेशन के माध्यम से जो आप लोग बरसों से वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वहाँ के इंडस्ट्री में या कॉमर्स में या ट्रेड में हो, चाहे डॉक्टर्स के रूप में हो, मुझे याद है कि राज्य में संस्था जो है बहुत पुरानी संस्था है डॉक्टर्स की। वहाँ पर डॉक्टर राजस्थानी इंटरनेट से बना हुआ है। लंबे अरसे से मैं कई साथियों को जानता हूँ, 40 साथी तो मैं उनसे बराबर संपर्क में रहा, किस प्रकार से वे आप में जुड़े हुए हैं, यूएसए के अंदर भी किस प्रकार से वे आपस में देश की और प्रदेश की चिंता करते हैं, सामाजिक सरोकार निभाते हैं। और मेरा उद्देश्य भी ये रहा है राजस्थान फाउंडेशन गठन के पीछे कि कम से कम चाहे कितने लंबे अरसे पहले गए हों परिवार यहाँ से देश या विदेश के अंदर, पर जो उनका मूल गांव है, मूल धरती है, उनसे उनका बॉन्ड मजबूत रहे, जुड़ा रहे। मैंने देखा भी है कि कई परिवार
अकाल में सूखे में तकलीफ हुई तो हमेशा आए यहाँ पर, सेवा भाव से काम भी किया है, गांव वालों उनको मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ये जो नया चैप्टर शुरू होगा राजस्थानी फाउंडेशन के माध्यम से, मैं चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक प्रेरणा मिले। वो लोग बरसों से वहाँ, कई लोगों जन्म वहाँ पे हो गया, बड़े हो गए, वो भी अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाए। कौन सा उनका गांव है, कौन सा जिला है, कौन सा प्रदेश है, देश के अंदर हिंदुस्तान के साथ में क्या रिश्ते हैं, ये प्रवासी राजस्थानियों के परिवार और उनकी जनरेशन के साथ में बना रहे हमेशा के लिए, जिससे कि हमारे यहाँ के संस्कार, हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ की मान परंपराएं उनके जहन में रहे, ये सोच करके मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है राजस्थानी फाउंडेशन। मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर श्रीवास्तव धीरज इस काम को अंजाम देने में कोई कमी नहीं रखेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ में हैं। कोरोना का भी वक्त है, महामारी बड़ी संकटग्रस्त है, पूरा विश्व इससे हिंदुस्तान में चुता नहीं है। एक तरफ तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप अपने आप को, अपने परिवार को बचा के रखें, और दूसरी तरफ आपको सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान सरकार ने जिस रूप में कोरोना जंग को सामने रख कर जंग जीतने का जो हमने संकल्प ले रखा है, उसके कारण बहुत शानदार हमने इंतजाम किए हैं यहाँ पर, अच्छा प्रबंधन कर रखा है, इलाज अच्छे ढंग से हो रहा है, पूरे देश के अंदर की चर्चा है हमारे मैनेजमेंट की, और मुझे उम्मीद है कि आखिर में हम कोरोना जंग को जीत के रहेंगे। यहाँ के तमाम हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, चाहे धर्मगुरु हों, चाहे वो एक्टिविस्ट हों, सामाजिक संस्थाएँ हों, आम नागरिक क्यों नहीं हों, सरकारी कर्मचारी हों, इवन कांस्टेबल तक ने, पटवारी ने, ग्राम सेवक ने, सब लोगों ने मिलकर के कोरोना के अंदर जो लॉकडाउन हो गया था तब भी जो इमदाद करी एक दूसरे की, हमने कहा राजस्थान सतर्क है, राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोएगा, उसी रूप में एक दूसरे का सेव करने के लिए लोग तत्पर रहे। वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हम लोग सब मिलकर के कोरोना संकट से भी निकलेंगे, और पुनः जो मौका लगेगा तो आज हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, वक्त आएगा कि हम लोग जो मिलेंगे आपस के अंदर, दीपावली पर मनाएंगे, खुशियाँ अपने बांटेंगे। ये बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पुनः आप सबके प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। सुना आपने माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत, जिनकी परिकल्पना का साकार स्वरूप ही राजस्थान फाउंडेशन भी है, और जो ये चाहते हैं, उनकी दिली इच्छा ये हमेशा से रही है कि दुनिया के तमाम देशों में या हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में हमारे जो भी राजस्थान के भाई बहन रहते हैं, वो अपने उस दुनिया या उस देश से इस अपने प्रदेश के साथ इस तरह के रिश्ते में जुड़े रहे। दरअसल सांस्कृतिक संवेदनाओं की गहराई आप हमेशा महसूस करते हैं राजस्थान के साथ, क्योंकि राजस्थान के वो चाहे गांव हों, शहर हों, कस्बे हों, हर इलाका, हर क्षेत्र, गली मोहल्ला आपके दिलों में बसता है, यहाँ का गीत संगीत आपके दिलों में बसता है, और उसी को एक अभिव्यक्ति देने के लिए ये स्वरूप राजस्थान फाउंडेशन के रूप में मिला है। और ये आयोजन भी राजस्थान फाउंडेशन ने जो किया है राजस्थान पर्यटन के साथ मिलकर, बहुत ही अनूठा आयोजन है, क्योंकि ये ग्लोबल प्रवासी दीपोत्सव का आयोजन है। और ये जो दीपोत्सव आया है, मन में उमंग एक लाया है, मन में प्रकाश फैलाने को,
प्रेम का दीप जलाने को। हमारी उम्मीद, हमारा उद्देश्य यही है कि प्रेम का दीपक हम सबके मन में रोशनी करे। तो इसलिए ये ग्लोबल दीपोत्सव की शुरुआत हम यहाँ करें बीकानेर हाउस में, अपने चांदनी बाग में, खुले आसमान के नीचे। उससे पहले आपसे एक दो निवेदन हम ज़रूर करना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि आप अपने कैमरे का जो ऑडियो है उसको म्यूट कर दीजिएगा, उसका इनपुट जो है बिल्कुल म्यूट करके साइलेंट मोड पर रखिएगा। और दूसरी बात आपसे ये कहना चाहेंगे कि यहाँ दीप जले उससे पहले आप भी अपने दिए को हाथ में ले लीजिए, मोमबत्ती को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ दीप जलेगा आपको भी अपनी अपनी जगह, अपने अपने घर में, अपने अपने कमरे में, अपने अपने खुले आसमान के नीचे, जहाँ भी हो आप, अपना दिया आप जलाएंगे। और यहाँ के दीप जलने के बाद अपने दिए को अपने कैमरे के सामने जब आप रखेंगे और बड़ी स्क्रीन पर जो यहाँ बीकानेर हाउस में चांदनी बाग में लगी है, या आप भी अपनी जहाँ भी होंगे स्क्रीन पर आप देखेंगे, और आज ही क्यों आने वाले दिनों में सदियों तक हम उसे देखेंगे, तो महसूस करेंगे कि किस तरह से एक यूनिक आयोजन इस रूप में ग्लोबल प्रवासी दीपोत्सव के रूप में आयोजित किया गया और उसका आप और हम सब हिस्सा बने। तो आइए आज के इस दीपोत्सव की, यूनिक दीपोत्सव की हम शुरुआत करें। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर साहब श्री धीरज श्रीवास्तव से कि वे सबसे पहले मंच पर आएं, दीप प्रज्वलित करें, दिया जलाएं, ये प्रेम का, उमंग, उल्लास का, खुशी से भरे एक संदेश के साथ ये दिया जलने जा रहा है। और आप भी इस उल्लास को महसूस कीजिए, आप चाहे जहां भी हो इस खुशी को महसूस कीजिए। दरअसल आप करते हैं तभी तो आप जुड़े हुए हमारे साथ इस समय। और ये तो सच है, कहा ही जाता है कि एक छोटा सा दिया, एक उसकी छोटी सी लौ किसी भी अंधेरे को जो है वो मिटा सकती है। मैं धीरे जी से निवेदन करूंगा कि वो ये दिया बीकानेर हाउस में चांदनी बाग के खुले आसमान में प्रज्वलित कर रहे हैं। आप भी अपने अपने दिए को जरूर जला लीजिए और अपने अपने दिए को जलाकर आप उसे अपने अपने कैमरे के सामने जरूर रखिए। देवियों सज्जनों, आइए हम जुड़ते हैं एक खूबसूरत एहसास के साथ। ये एहसास बहुत ही अनूठा है, ये दृश्य बहुत ही अनूठा है, क्योंकि इन दियों की रोशनी, जगमगाती रोशनी के बीच ये टिमटिमाते तारों सा मंजर हम यहाँ मैं देख पा रहे हैं और आपको भी हम देख रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो आप यहाँ हम सब के साथ जुड़े हैं, आप सबको हम यहाँ से निहार रहे हैं, आप सबको हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो, दुबई हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, युगांडा हो, अब चारों कोनों पर, दुनिया के हर कोने से आप हमसे इस समय जुड़ चुके हैं अपने अपने दियों के साथ। कितना खूबसूरत सा मंजर होता है ये जब इन दियों की रोशनी में हम सब की भावनाएं समाहित हो जाती हैं, इन दियों की लौ के साथ हम सब के मन में आशा की उम्मीदों की किरण जाग उठती है। सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है इस किनारे उस किनारे क्या, क्योंकि आज दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में रोशनी के टिमटिमाते दिए हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं और ये रिश्ता सदियों तक आपके हमारे मनों में रहेगा और साथ ही सोशल प्लेटफॉर्म पर तो रहेगा ही। इसलिए एक बार फिर से आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाई आप सभी को। खुशी का वो हर पल होता है जब हम खुशी और उल्लास को अभिव्यक्त करें और इसीलिए उन पलों को हमने जिया। धीरज जी से मैं निवेदन करूंगा, धीरज श्रीवास्तव साहब जो कि इस फाउंडेशन के यानी राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर हैं, उनसे निवेदन करूंगा आज जिनके अथक प्रयासों से और उनकी पूरी टीम की कोशिशों का ये साकार स्वरूप आपके सामने है इस यूनिक दीपोत्सव के रूप में। धीरज श्रीवास्तव जी। आज देश और दुनिया के कोने कोने से राजस्थान की सुनहरी मिट्टी के दीप प्रज्वलित हुए, इससे ज़्यादा मनमोहक नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत ही सुंदर, मंत्रमुग्ध और अपने आप में एक अविस्मरणीय क्षण है ये। ग्लोबल प्रवासी दीपोत्सव के जरिए आज देश विदेश के हर कोने में बसे राजस्थानी प्रवासी एक साथ जुड़कर जो अनोखा एकजुटता का जो अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है वो वाकई में अद्भुत है। आज जो रोशनी दुनिया के कोने कोने में फैली है वह प्रतीक है हमारी यूनिटी का, हमारी मिट्टी से हमारे प्रेम का, हमारी अद्भुत संस्कृति का, इस कठिन समय में आशा का, जो हमें इस कठिन दौर से गुजरने के लिए, लड़ने के लिए प्रेरित करेगी। सबको मेरा नमस्कार। खमागणी
राम राम सा। सबसे पहले मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनकी दूरदर्शी सोच से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे और अपने राजस्थानी प्रवासियों से जुड़ पाए हैं। राजस्थानी प्रवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन जो आज इस यूनिक प्रोग्राम ग्लोबल प्रवासी द्वीपोत्सव में हमसे आज जुड़े हुए हैं। हमारे मार्गदर्शक माननीय मंत्री जी, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा जी और पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण सेक्टर को एक नए मुकाम तक, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और रात दिन अथक प्रयास कर रहे हैं कि पर्यटन सेक्टर को एक नया आयाम मिले। राजस्थान टूरिज्म, बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी का बहुत बहुत आभार, जिनकी मदद से आज ये उत्सव हो रहा है। और बहुत बहुत स्वागत गुलाबो जी और उनके टीम का। इस अवसर पर हमारे नए उभरते सितारे अनैना और आयुषी जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। राजस्थान सरकार ने सभी प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित दिवाली मनाने का आग्रह किया था और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हम इस उद्देश्य में कामयाब रहे। इन परिस्थितियों में जब कोरोना ने फिजिकली हम सबको एक दूसरे से दूर कर दिया है, आप कल्पना कीजिए वो समय जब दिवाली पर सब लोग, पूरा परिवार एक साथ बैठता है, यार दोस्त आते हैं, तमाम लोग दूर दूर से मिलते हैं, रामा श्यामा होती है और मिठाई खाते हैं, पर्व मनाते हैं। लेकिन आज इस कठिन परिस्थिति में हम फिर भी एकजुट होने की एक भावना से आज मन से सब एक दूसरे के साथ हैं। वर्चुअल दिवाली मनाने के इस कदम की मैं सराहना करते हुए यही कहूँगा कि आपने देश और विदेश में रह कर के भी दीपावली के पर्व की भावना को बरकरार रखा और इस कठिन समय में समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाया। वर्ष 2000 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब राजस्थानी प्रवासी दिवस का आयोजन किया था, उसमें देश और विदेश के तमाम प्रवासियों ने बहुत उत्साह से भाग लिया। उसी क्रम में आप सबके साथ संपर्क और समन्वय बनाए रखने के लिए राजस्थान फाउंडेशन का गठन किया था। मुझे बहुत खुशी है कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आज हम इस मुकाम तक पहुँचे कि आज हमारे साथ 52 देशों से भी अधिक, लगभग 18 अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी संगठनों के जरिए राजस्थानी प्रवासी हमसे जुड़े हुए हैं। हमें इस बात का गर्व है कि कई प्रतिष्ठित परिवार और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रवासी, जिनमें हर श्रेणी के लोग शामिल हैं, जैसे अभी हाल में ही में परमवीर चक्र विजेता मेजर श्री शैतान सिंह जी की पुण्यतिथि पर हमने उन्हें याद किया और स्विट्जरलैंड में बैठे उनके परिवार के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उनसे भी हमें इसी मंच के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला। आपको याद होगा कुछ समय पहले तीज का यही त्यौहार हमने बहुत हर्ष और उल्लास के साथ वर्चुअली मनाया था। मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन सात समुंदर पार बैठे हमारे साथ इजिप्ट, सिंगापुर, युगांडा, स्विट्जरलैंड, कनाडा, लंदन, यूएसए, ऐसे तमाम देशों के प्रवासी परिवारों की महिलाएं और बच्चियों ने हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की, ऐसा ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया कि राजस्थान में ही उनको जैसे लग रहा था तीज मनाया जा रहा है। हम समय समय पर आपको अपनी मिट्टी से जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। अभी हमने अंशु हर्ष जी के साथ मिलकर हम राजस्थानी सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम राजस्थान की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ से आपको रूबरू कराते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल की राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से स्थापना की और राजमाई जैसे पुराने संगठनों के माध्यम से विदेश में राजस्थानी मूल के डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस हमारे प्रदेश के चिकित्सकों के साथ शेयर कर रहे हैं। यह हमारे प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास बहुत प्रशंसनीय है। मैं उन सभी राजस्थानी मूल के प्रवासी डॉक्टर्स को बधाई देता हूँ जिन्होंने अपने प्रदेश के लिए ऐसे अनुकरणीय कदम उठाए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है
कि आप अपने प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी ला रहे हैं। मुझे यकीन है ऐसे प्रपोजल से प्रदेश का चहुमुखी विकास होना सुनिश्चित है। मुझे आशा है कि इसी तरह आप अपने राजस्थान के विकास में सहभागिता सुनिश्चित करेंगे और इस प्रकार के आयोजनों से अपनी संस्कृति और मूल्यों को हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संकट के इस घड़ी में राजस्थान सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की। लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, जिसमें कई कलाकार जो वंचित थे ऐसे पीरियड में, उनके सारे प्रोग्राम निरस्त हो गए, उनको घर बैठे सहायता दी गई एक जूरी के माध्यम से। इंदिरा रसोई योजना, अस्पतालों में हेल्प डेस्क योजना। यही नहीं, कोरोना की वजह से अगर किसी ने कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जान गंवाई तो उसके परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराना, ऐसे अनेक योजनाओं से लाखों जरूरतमंद लोगों को सहायता मिली है। रूट्स टूरिज्म पॉलिसी के माध्यम से सरकार ने अपने प्रवासियों को अपनी मिट्टी से जोड़ने का एक प्रयास किया है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं और ऐसी बहुत सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई जो प्रवासी संस्थाएं हैं, उन्होंने इस कठिन समय में हमारा बहुत साथ दिया, जिनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। राजस्थान फाउंडेशन का ध्येय न केवल विकास है बल्कि हमारे प्रवासियों को उनकी संस्कृति और परंपरा से जोड़ कर रखना है। हमारी समृद्ध संस्कृति ही हमारे प्रदेश की पहचान है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गुलाबो जी, रईस भारती जी जो आज फ्रांस में बैठे राजस्थान का नाम ऊंचा कर रहे हैं, हमारे ऐसे अनेक राजस्थानी कलाकार जो अपनी कलाओं के माध्यम से हमारी बहुमूल्य संस्कृति को दुनिया के कोने कोने में पहचान दिला रहे हैं और आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचा रहे हैं। राजस्थान फाउंडेशन हमेशा प्रयासरत रहेगा कि हम अपने प्रवासियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कलाओं और त्योहारों से जोड़े रखें। आज का ये ग्लोबल प्रवासी दीपोत्सव के जरिए हम आपको अपनी मिट्टी से जोड़ने, आपको अपने आप से जोड़ने और आपको पुनः अपनी संस्कृति की झलक प्रदर्शित करने का एक प्रयास मात्र है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। हम आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों से आपको आपके पास लाते रहेंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे। हम बिल्कुल तैयार हैं, बस आपका साथ ऐसे ही बना रहे, आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। एक बार फिर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार श्री धीरज श्रीवास्तव जी का, हमारे कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन। देवियों सज्जनों, संस्कृति की डोर बड़ी मजबूत होती है, क्योंकि ये संस्कृति है। चाहे सैकड़ों साल पहले भी यहाँ से राजस्थान से कोई किसी भी देश में गया हो, किसी भी मुल्क में गया हो, लेकिन आज भी उसकी आने वाली पीढ़ियाँ या उसकी वर्तमान पीढ़ियाँ जो हैं राजस्थान की मिट्टी की महक को अपने मन में बसाती भी हैं, सम्मान भी करती हैं और बहुत बेइंतहा प्यार करती हैं। दरअसल राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से तो हिंदुस्तान के तमाम अग्रणी राज्यों में बहुत आगे है, लेकिन संस्कृति की दृष्टि से भी देखें तो यहाँ की छटा बड़ी निराली है, बहुत ही रंगीन है, मनमोहक है। और आप जानती हैं कि गुलाबो सपेरा जी जैसी प्रख्यात कलाकार कालबेलिया की, दुनिया भर में उन्होंने राजस्थान की लोक संस्कृति की धूम मचाई है। और राजस्थान फाउंडेशन इस कोशिश में एक सेतु के रूप में आपके साथ जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से धीरज श्रीवास्तव जी जो कि कमिश्नर हैं, हम सब की तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रसादी लाल मीणा जी हमारे माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर, उनका भी हम हमेशा धन्यवाद करते हैं कि उनका जो मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। और साथ ही साथ श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी जो कि पर्यटन राज्य मंत्री हैं और राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में अपने मार्गदर्शन में तमाम तरह की गतिविधियां और उसके प्रचार प्रसार में निरंतर कार्यरत रहते हैं। तो आज इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक गुप्ता जी भी अपना संदेश आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। चूंकि ये पूरी दुनिया में जो समय है बहुत ही प्रतिकूल है, यानी कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी रिश्ते खत्म नहीं होते, एहसासात कभी खत्म नहीं होते, बल्कि ऐसे में तो हमें और एक दूसरे के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, भले ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आलोक गुप्ता जी को भी सुनते हैं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम हैप्पी टू नोट दैट राजस्थान फाउंडेशन हैज टेकन ए यूनिक इनिशिएटिव टू सेलिब्रेट दीपावली वर्चुअली। दिस वुड ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल प्रवासी राजस्थानीज टू कनेक्ट टू देयर होमलैंड। एज यू ऑल नो दैट कोरोना पैंडेमिक हैज अफेक्टेड द वर्ल्ड एडवर्सली एंड द लाइफ हैज चेंज्ड इन वेज वी कुड नेवर इमेजिन। वर्चुअल मीटिंग्स,
work from home have become the norm, and as the world is turning to digitalization, festivals and celebrations have also taken this route. Today, we are celebrating Global Pravasi Deepotsav, which symbolizes victory of light over dark, and it gives us a renewed hope that there is always light at the end of a dark tunnel. I would also like to tell you that Rajasthan government, under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Ashok Gehlot, has taken many initiatives to promote tourism in the state. We have recently launched a new tourism policy. This policy has many provisions to attract Pravasi Rajasthanis to connect to their homeland. We plan to encourage roots tourism to attract more and more Pravasis to Rajasthan. We also plan to launch an initiative, Rajasthan Calling, to connect people having their roots in Rajasthan. We also plan to formulate a scheme to encourage Pravasis having physical assets with tourism potential to open up their assets for promotion of tourism in the state. We hope these initiatives will help us in strengthening our bonds with our Pravasi Badam. Rajasthan Foundation has also organized a beautiful cultural program for you. I'm sure you all will enjoy this. In the end, I would like to thank Shri Dheeraj Srivastav, Commissioner Rajasthan Foundation, for taking such a unique initiative, and I once again wish you a very happy and prosperous Deepavali and coming New Year. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आलोक गुप्ता जी के, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म राजस्थान गवर्नमेंट. देवे सज्जनो, ये बीकानेर हाउस और इसके पीछे का वो खूबसूरत प्रांगण जिसे चांदनी बाग कहते हैं, और यहाँ टिमटिमाते दिए जो जलाए गए हैं अपनी रोशनी से आसपास के पूरे माहौल को रोशन कर रहे हैं. दरअसल सिर्फ रोशनी नहीं, उनकी खुशबू भी हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब तेल से दिए जलते हैं या घी के दिए जलते हैं तो उनकी खुशबू भी तो पहुंचती है ना हम तक. शायद आप तक भी उसके एहसासात या उसकी भावनाएं ज़रूर पहुंच रही होंगी. लेकिन मन की रोशनी के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करते हैं हम? संस्कृति है हमारी, लोक संस्कृति, उसमें गीत है, संगीत है, नृत्य है, यही चीज़ें हैं जो हमारे मन को रोशन करती हैं. और इसीलिए लोक संस्कृति जो है सदियों से हमारे जीवन का अटूट हिस्सा रही है. आप भी हमेशा उसके प्रति इसीलिए आकर्षित होते हैं. और आज तो गुलाबो सपेरा जी हैं हमारे साथ, उनकी पूरी टीम है यहाँ हमारे साथ. गुलाबो जी, आप जानते हैं कि कालबेलिया के विश्व विख्यात नृत्यांगना हैं, और उन्होंने जो ये नृत्य है कालबेलिया, पूरी दुनिया में उसे प्रतिष्ठित किया, उसे पहचान दिलाई, और इस क्षेत्र में उनका इतना महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए माननीय राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से उन्हें पद्मश्री का सम्मान भी प्रदान किया गया था. गुलाबो जी, राजस्थान की लोक संस्कृति की अग्रणी दूत के रूप में हम सबके बीच हमेशा रहती हैं और हम सबको प्रेरित करती हैं. देश हो या देश से बाहर, अनेक अलग अलग देशों में उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं. 165 देश वो भ्रमण कर चुकी हैं अपने कार्यक्रमों के लिए, अपनी प्रस्तुतियों के लिए. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी राजस्थान के लोग हैं वहाँ वहाँ तक वो पहुँची है, और तमाम अलग अलग देशों में भी. यानी हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा प्रतिष्ठित समारोह अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर का नहीं होगा जिसमें उन्होंने प्रस्तुति ना दी हो, और दुनिया के तमाम देशों में भी उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं. एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लिया उन्होंने, जो कालबेलिया समुदाय होता है या सफेरा समुदाय भी कहते हैं, उसी परिवार में, साधारण से परिवार में जन्म लिया, बहुत सारे संघर्ष किए, लेकिन आज वो अपने एक आइकॉन हैं हमारे लोक नृत्य के क्षेत्र में, और आज उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है यहाँ अपनी प्रस्तुति के लिए. तो कालबेलिया के नृत्य की प्रस्तुति तो होगी क्योंकि गुलाबो जी हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई रंग हैं. लेकिन उन सबसे पहले आप सबके लिए प्रार्थना के रूप में, दुआ के रूप में, और आप सबके लिए मंगल कामना के रूप में गणेश वंदना से हम प्रस्तुति के इस हिस्से की शुरुआत करने जा रहे हैं. आइए आप सब भी जुड़िए इसी भावना के साथ.
जेत गजानंद गणपति हो घनरायक घनरा प्रथम निवेदन आपको मारा सकल सुधारो हे जी आप पधारो हो पे गया वो जी आओ जी मारा हो जी प्यारा गजानंद आप पधारो पे गया वो जी आओ जी मारा प्यारा गजानंद अजी आप पधारो हो पे गया वो जी आओ जी मारा प्यारा गजानंद प्यारा गजानंद भारे हे बोरा गजानंद प्यारा गजानंद भारे हे भोरा गजानंद हे रिद सिद्ध ले करी अबोजी अबोजी मारा प्यारा गजानंद सबके जीवन में खुशी हो, उमंग हो, उल्लास हो। आप सब दुनिया में कहीं भी रहें, अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से जुड़े रहें और खुश रहें, खुशहाल हमेशा रहें। आप सब, आपके जो चैट में आपके जो मैसेजेज आ रहे हैं, इतना खूबसूरत एहसास हम सबको यहाँ मिल रहा है उससे, जिस उल्लास के साथ। और जो पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में जुड़े हैं वो बहुत खुश हैं। आप सबका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ खास है, क्योंकि अब बारी है उस कालबेलिया नृत्य की जो राजस्थान की एक तरह से पहचान बन गया। और उस पहचान को दिलाने के पीछे जिनका हाथ है, जिनका संघर्ष है और जिनका समर्पण है, वो है गुलाबो सपेरा जी, जिन्होंने तमाम अलग अलग देशों में अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। अजमेर में एक छोटा सा गाँव है, उस जिले में, वहीं उन्होंने जन्म लिया।
और बचपन में अपने पिता के साथ उनके साथ साथ चलती थी। कालबेलिया समुदाय आप जानते ही हैं कि सांपों को पकड़ते थे उस समय, अब तो अनुमति नहीं है उसकी, और उनको लेकर घूमते थे, बीन पर नचाते थे उन्हें, और उन्हें नाचते और नचाते देख देख कर गुलाबू जी ने खुद प्रैक्टिस शुरू कर दी और उसी तरह से एक नए नृत्य को जन्म दिया, लोक नृत्य को, जिसका कालबेलिया हम जानते हैं और कहते हैं। तो आप सबके सामने मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ। भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है, लेकिन आप, वो आप सबके दिलों में भी रहती हैं, गुलाबो सफेरा कालबेलिया नृत्य के साथ।
जी हाँ देवी सज्जनों, इनक्रेडिबल राजस्थान का इनक्रेडिबल फोक डांस और इनक्रेडिबल गुलाबो जी, जिन्होंने कालबेलिया की इतनी धूम पूरी दुनिया में मचाई, राजस्थान की लोक संस्कृति को कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँचाया, बहुत बहुत आभार। लेकिन सिलसिला ये जारी रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने बचपन को कहीं गाँव में गली मोहल्लों में बिताया होगा, कठपुतली की याद ज़रूर आती होगी आपको, क्योंकि जब हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं था, कोई और प्लेटफॉर्म नहीं था, संचार के कोई ज़्यादा माध्यम ऐसे हमारे पास नहीं थे, उन दिनों में भी कठपुतली को देखने और सुनने के लिए गली मोहल्लों में जब भी आवाज़ कानों तक पड़ती थी तो बच्चे घरों से निकलकर भाग पड़ते थे। और राजस्थान की बहुत ही लोकप्रिय परंपरा, बहुत प्राचीन परंपरा भी है, और उसी का एक रंग यहीं चांदनी बाग यानी बीकानेर हाउस में दिल्ली में जो एक कार्यक्रम चल रहा है, जो ग्लोबल प्रवासी जो दीपोत्सव का ये आयोजन है, राजस्थान फाउंडेशन राजस्थान पर्यटन के साथ मिलकर ये आयोजन किया गया है, उसमें कठपुतली का ही एक रंग आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दरअसल कठपुतली की प्रस्तुतियों के माध्यम से चाहे हमारे अध्यात्म हो, दर्शन हो, धर्म हो, हमारे रोज़मर्रा के जीवन के तमाम प्रसंग हों, कथाएँ हों, और उसके माध्यम से वैल्यूज़ जो मूल्य हैं वो समाज तक पहुँचते हैं, और आज भी इसलिए उसकी अहमियत है। दरअसल आज पूरी दुनिया में जहाँ महामारी की चपेट में हम सब हैं कोरोना की वजह से, लेकिन उसमें भी कठपुतली के माध्यम से भी कुछ न कुछ संदेश तो पहुँचता है ना आप तक, आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा इस बात का। इसलिए आपको आमंत्रित करते हैं एक बहुत ही सुंदर आकर्षक प्रस्तुति के लिए, राजस्थान की एक बड़ी खास परंपरा के लिए जिसे हम कहते हैं कठपुतली। बोलिए लेकर ठीक 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 होली जिले कर अरे भरे राजस्थान की अनार कली गोरी मारी जे पुरे कड़ता तीरथ में नाई गोरी मारी जे पुरे कड़ता तीरथ में नाई गोरी मारी जे पुरे ताए बढ़ता तीरथ में नाए होली जी लेकर आ रहे मरे राजस्थान की आन बान शान माइकल जैक्सन Thank you.
गज की वो जरूरी है, दो गज की दूरी बहुत जरूरी है जिनके लिए और जिंदगी के लिए। ये देख लीजिए आप कठपुतले लेकिन फिर भी मास्क लगा रखे, तो आप भी सब मास्क लगा के रखे और आप भी सब दो गज की दूरी जरूर रखे, आप अपनों से मिले। और ज्यादा याद आती है तो आप टेलीफोन करें, वीडियो कॉल करें, या फिर आप अपने जो भी है वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं। मिलना जरूरी नहीं होता, गले लगना जरूरी नहीं होता, दूर से मिले हाथ नहीं मिलाए, और अपने मोबाइल वीडियो कॉल से आप हाय हाय बाय बाय करें, ये बहुत जरूरी है। और देख लीजिए माइकल जैक्सन का डांस, वाओ, मार्च लगा के जोरदार नाच की गए मार्क्सल जैक्सन भाई। और आप सभी को ये भी कहते हैं कि आप प्रदूषण से भी बच के रहे और बहुत जरूरी अपनी अपनी गाड़ियों का ध्यान रखें, प्रदूषण नहीं फैलाए ज़्यादा, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है और प्रदूषण का पता भी नहीं चलता कि कितना फैल रहा है इसमें। तो आप अपना और अपने परिवार का और अपनों का और अपने पूरे देश का पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसलिए करा रहे मेरे राजस्थान की आन बान शान नागलपेटा। लपेटा लेवे अरे सांप लपेटा लेवे अरे राजा नाग लपेटा लेवे अरे याद रे आते रात में ओ नाग लपेटा लेवे अरे याद रे आते रात में ओ नाग लपेटा राजस्थान की आन बान शान महाराजा
जिस तरीके से कोरोना को मार के गिराना है अपने को, और सबको कोरोना के पीछे हो जाना है, ले लकड़ी और ले डंडा और ले तलवार, तभी अपन जीत पाएंगे, जब ही कोरोना को भगा पाएंगे। क्योंकि डरेंगे तो डर तो मार देता है, और डर नहीं सकते अपन, तो उनको बस मारना है, मरना नहीं है। इसीलिए मैं गाना जब गाती हूँ अरे वाला, तो इसी तरीके से गाती हूँ, अरे रे 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 मैं तो हाथी धो हैं, और इस तरीके से सब लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो आप सभी को मैं यही कहती हूँ, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ राजस्थान फाउंडेशन की कि उन्होंने हमें यहाँ मौका दिया, और कलाकारों को मौका दिया, और सब लोगों के आमने सामने करने का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट और राजस्थान फाउंडेशन को। और अब हमारा राजा महाराजा का जो है घूमर नृत्य है, और सब प्रवासियों के लिए हैप्पी दिवाली। जो हमारे देश से परदेश में रहते हैं उनको हम प्रवासी कहते हैं, उनके लिए बहुत 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 हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, हमारे राजस्थान सरकार की तरफ से, हमारे हिंदुस्तान सरकार की तरफ से, और सब लोगों को हैप्पी 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 दिवाली। थैंक यू। तो बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए, बहुत सारी दुआएँ आपके लिए, और उन्हीं दुआओं के साथ घूमर लोक नृत्य जो है बहुत ही लोकप्रिय है राजस्थान का, बहुत प्राचीन भी है, और घूम घूम कर जब महिलाएं गाती हैं, दरअसल ये महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए ही नृत्य किया जाता रहा है आरंभ में, लेकिन आज एक कला के रूप में, एक प्रदर्शन कला के रूप में दुनिया भर में इसकी प्रस्तुतियाँ होती हैं। गुलाबो सपेरा जी अपनी टीम के साथ उसी की प्रस्तुति के लिए आ रही है। दरअसल गुलाबो जी ने दुनिया भर में जो भ्रमण किया है नृत्य के लिए तो किया ही है, डेनमार्क या फ्रांस जैसे देशों में कई संस्थान हैं जहां वो विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भी जाती हैं, और गुलाबो सपेरा संगीत संस्थान के माध्यम से न सिर्फ नृत्य की शिक्षा देती हैं, बल्कि बच्चों की, लड़के और लड़कियों की शिक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई, इसका भी प्रबंध करती हैं, ताकि उनके समुदाय के बच्चों को पढ़ लिख कर आगे जाने का मौका मिले। तो ये सब मिलजुल कर, जहां आप हैं दुनिया के किसी भी कोने में, जहां हम हैं यहां हिंदुस्तान में, राजस्थान में, हम मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव तो आएगा। और फिलहाल तो ये जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये ध्यान रखते हुए कोरोना को भी मार भगाना है। तो आइए आपके सामने बहुत सारी दुआओं मंगल कामनाओं के साथ घूमर लोक नृत्य। जो है मां
Bye.
गुलाबो जी के साथ जो डांसर्स इस प्रस्तुति में शामिल थे उनका नाम भी हम जरूर आपको बता दें, राखी पूनम सपेरा, हेमा सपेरा, उनकी अपनी बेटियाँ, और इसके अलावा रूपा सपेरा, संतोष सपेरा, ललिता सपेरा, रीना सपेरा, पूनम सपेरा और सोना सपेरा, और जो साजों पर राजस्थान के साज भी बड़े कमाल के हैं और उनकी आवाज़, उनकी ध्वनि कम्युनिटी से जोड़ देती है। तो इसमें जो गायक थे नरेंद्र राणा इस प्रस्तुति में शामिल थे, इसके अलावा ढोलक पर मुकेश राणा, नगाड़े पर राजू राणा, ऑर्गन पर आकाश कुमार, और पैट पर दिनेश कुमार, बीट पर कांतिलाल सपेरा, करताल पर जीतू सपेरा, और ढोल पर पूरण भारजी। ये हमारे लोक कलाकार जो हमारी लोक संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से सहेजते आए हैं, प्रस्तुत करते आए हैं, दुनिया भर में उसका प्रचार प्रसार करते आते हैं। और राजस्थान फाउंडेशन इस बात के लिए सदैव प्रतिष्ठित रहा है और रहेगा कि अपने प्रदेश की लोक संस्कृति के साथ आपको भावनात्मक रूप से जुड़े और आप जुड़े प्रदेश के विकास से, प्रदेश की प्रगति से, आपकी माटी से। आइए, आपने बहुत कुछ लिखकर भेजा है और लगातार आपके मैसेजेज आ रहे हैं, आपके इमोशन हमारे पहुँच रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ भी यानी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि इस महामारी में हम एक दूसरे के करीब तो नहीं हो सकते, लेकिन अनन्या सिंह भी हैं, एक बहुत ही बेहतरीन नृत्यांगना है। दरअसल 15 साल की उम्र है लेकिन बहुत सारे देशों में प्रस्तुति दे चुकी हैं, UAE, श्रीलंका, सिंगापुर वगैरह वगैरह। 8 साल में ही भवे नृत्य के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी उसमें पहला स्थान उन्होंने प्राप्त किया था, और इन्हें जयपुर का वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड, नारी तुझे सलाम वुमेन अचीवर अवार्ड, ऐसे कई सम्मान मिले हैं। और हमारे ये युवा भवे नृत्यांगना अनन्या सिंह भी, वो भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं, उनके मन में भी कुछ जज्बात है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हैं, आइए सुनते हैं। समर्पण को भी देखा आपने जो राजस्थान की लोक संस्कृति
हवाई अड्डे के रूप में उनके मन में रहती है और जिस स्तर पर वो पहुँच रही है। एक और हमारे साथ और जन्म जोधपुर में हुआ था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने की लेकिन उसके बाद राजस्थानी क्लासिकल म्यूजिक की बाकायदे तालीम भी वोकल म्यूजिक की। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है उनकी और ख़ुद गीत लिखती हैं, कंपोज करती हैं और गाती हैं, तो जाहिर सी बात है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आपके मन को कितना भा सकता है और आपको कितना आनंद दे सकता है। बहुत सारे रेडियो के चैनल्स पर और दूरदर्शन के या अन्य टीवी चैनलों पर भी आप उनसे जुड़ी रही हैं और उस पर प्रस्तुतियाँ देती रही हैं। तो अब ये समय है कि हम एक बार देखें भी और सुने भी आयुषी रखे जाए। की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चार पंक्तियों में राजस्थान की माटी का परिचय लिखने की कोशिश करती हूँ कि ऊंचे ऊंचे दुर्ग जैसी या कहूँ मैं स्वर्ग जैसी मारवाड़ की धरा की शाम को प्रणाम है। ऊंची आन ऊंची बान ऊंची शान के प्रमाण अपनायत के प्यारे धाम को प्रणाम है। कि घूमर के अठ खेले लोक गीत की पहेली शाही ठाट बाट इंतजाम को प्रणाम है। दाल बाटी की ये गंध मिर्च वड़े की सुगंध खान पान शौकीन तमाम को प्रणाम है। एक राजस्थानी प्रतिगीत आप सभी के लिए विशेष लेकर आई हूँ कि आओ जी आओ व्हाट्सअप चैट कराला, आओ जी मन डहरी बात कराला, बलम मारो व्हाट्सअप घनो चलावे, स्टेटस भी खूब लगावे, घबरावे मन में आवे, मारो बदलो मोर आवे जावे, ऑनलाइन आवे ऑफलाइन जावे, वाई सकेवे पढ़ल पढ़ल पढ़ को मार, ठीक करो दिन भर टन टन बाजे, ठीक करो दिन भर टन टन बाजे। राजस्थानी लुगाई अपने पति से क्या शिकायत कर रही है सुनिएगा। तुझे लुगाया सो बात करे और मैं बैठी हूँ खाली, अंबानी ने लापो लागे काई में मारी पाली, काई काई टॉक कर ले पासवर्ड सुलॉक कर ले, छाती को तो मोबाइल रोए काली कर दी रात ढोला, मैं तुझे मार व्हाट्सएप 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 चैट करे। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ती हूँ अपनी प्यारी मायर राजस्थानी भाषा के लिए कि फूलिया पांखुरी की बनावट सी है, धूप में छींट की एक तरावट सी है, कुमकुमों से सने अक्षतों की तरह, कुमकुमों से सने अक्षतों की तरह, चौक में अल्पना की लिखावट सी है। नमस्कार, आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चार पंक्तियों में राजस्थान की माटी का परिचय लिखने की कोशिश करती हूँ कि ऊंचे ऊंचे दुर्ग जैसी या कहूँ मैं स्वर्ग जैसी। तो गागर में सागर भरने की जो कला है वो कवियों को तो आती है और आपने देखा कि छोटी सी कविता में भी कितना सारा। हमने अभी आपको दिखाया कि रात में किस तरह ये दिए जगमगाए
अब हम फिर उजाला कर रहे हैं और फिर ये नज़ारा आपके सामने आ रहा है। तो कभी कभी जब आर्टिफिशियल रोशनी ना हो तो आप देखें कि कुदरत का नज़ारा कितना खूबसूरत लगता है। और आज इस दीपोत्सव में तो ख़ास तौर पर जहाँ बीकानेर हाउस के इस परिसर में, इस प्रांगण में चांदनी बाग की इस खूबसूरत छटा के बीच हमने ग्लोबल प्रवासी दीपोत्सव का आयोजन किया, ये बहुत ही खूबसूरत एहसास इसके साथ जुड़ा है और हम सब के दिलों में हमेशा रहेगा। फिलहाल मैं निवेदन करना चाहूँगा सुमिता मीणा जी से, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं राजस्थान पर्यटन की, कि वो आएँ, आप सब दुनिया के तमाम हिस्सों से जुड़े, देश के तमाम हिस्सों से जुड़े, अलग अलग शहरों से जुड़े आप हमसे, और जुड़कर राजस्थान की धड़कन को आपने महसूस किया है, जिया है। दरअसल राजस्थान आपके दिलों में हमेशा जिंदा है, रहेगा, क्योंकि इसमें इतनी कशिश और इतना आकर्षण है। तो सुमिता जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आएँ और आप सबका आभार व्यक्त करें अपनी शुभकामनाओं के साथ, आप सबकी मंगल कामनाओं के साथ। ऑनरेबल श्री धीरज श्रीवास्तव सर, कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन, रिस्पेक्टेड आलोक गुप्ता सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म, आर मोस्ट वैल्यूड प्रवासी गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ प्रिविलेज टू हैव बीन आस्क्ड टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स ऑन दिस ओकेजन एंड दिस ऑगस्ट वर्चुअल गैदरिंग ऑफ अ राजस्थानी कम्युनिटी फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। Rajasthan Tourism is extremely thankful to Rajasthan Foundation for taking this initiative to connect our Pravasi families with their homeland on this auspicious occasion of Deepavali. Festivals are a source of pride for us Indians and they strengthen bonds across boundaries. The recently released New Tourism Policy 2020 emphasizes on roots tourism for non-resident Rajasthanis and encourage them to travel and connect to their native places. This event is the first to reach out in that direction, and many more shall follow under the leadership of Rajasthan Foundation and Rajasthan Tourism. In the end, I shall conclude the Rajasthan is calling theme by quoting a shlok, Janani Janma Bhumischa Swargadapi Gariyati. The vote of thanks is incomplete without mentioning the role of our Honorable Shri Govind Singh Dotasra Ji, State Tourism Minister, who has been a constant source of this inspiration and guidance, without which this program could not have been possible. थैंक यू। दुनिया के तमाम हिस्सों से या देश के अलग अलग हिस्सों से, शहरों से आप जुड़े, आप सबके लिए सिर्फ एक ही मंगल कामना दुआ मुँह से निकलती है कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना हो, आपकी आंखें कभी नम ना हो, फूलों की तरह आप मुस्कुराते रहें, जिंदगी भर आपकी खुशियां कम ना हो और आपकी ये मोहब्बत भी रहे कभी कम ना हो। राजस्थान फाउंडेशन की तरफ से, राजस्थान टूरिज़्म की तरफ से, आपके अपने प्रदेश के लोगों की तरफ से आप सबके लिए बहुत सारी दुआएँ, शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। धन्यवाद। शिवरात्रि।